हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो चॉकलेट। रेसिपी देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह की बहुत ही आसान सी रेसिपीज को एंजॉय करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट पर इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये चॉकलेट की रेसिपी घर में छोटे से लेकर बड़े तक सबको ही पसंद आने वाली है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है मिल्क चॉकलेट कंपाउंड। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से अवेलेबल है। और बटर, ओरियो बिस्किट, काजू और पिस्ता की कतरन और कलरफुल शुगर बॉल्स। चॉकलेट जमाने के लिए इस तरह के मोल्ड का इस्तेमाल मैं करूंगी। अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड है तो आप चॉकलेट मोल्ड में इसे जमा सकते हैं। इधर हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो चुकी है। डबल बॉइलिंग प्रोसेस से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो इस तरह से पतीले में रखा एक कटोरी, उसके ऊपर डाला शीशे का बोल और उसमें डाला हमने चॉकलेट और बटर। इसे हम मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम इसके आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इधर हमने लिया है ओरियो बिस्किट और ये लिया है हमने बेलन। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे बेलन से क्या करेंगे, तो ओरियो की धुनाई करेंगे हम बेलन से। इस तरीके से इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को आप हाथों से भी कर सकते हैं। हाथों से आप बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लें। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें बॉर्नबर्न भी डाल सकते हैं। जो बॉर्नबर्न बिस्किट आती है ना, वो भी चॉकलेट वाली होती है, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। बिस्किट को तोड़कर हमने रेडी कर लिया है, तो आइए चॉकलेट को चेक कर लेते हैं। इधर देखिए चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है। तो इसे हम पतीले से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसके अंदर। और इसमें डालेंगे शुगर बॉल्स। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने पिस्ता की कतरन, काजू की कतरन डाल दी और ओरियो जिसकी हमने धुनाई की थी उसको डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी चीजें हमने इसमें ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो मोल्ड में हम डालेंगे कलरफुल शुगर बॉल्स और थोड़ी सी काजू और पिस्ता की कतरन। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इसकी एक लेयर लगा दे। उसके बाद हम डार्क चॉकलेट इसके अंदर फिल करके इसको जमने के लिए रख देंगे। तो मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट डालने थे वो डाल दिए। उसके बाद डाल दिया हमने ये चॉकलेट वाला मिक्सचर जो हमने रेडी किया है, और इसे अब हम फ्रिज में 2 घंटे तक जमने देंगे। 2 घंटे बाद ये देख सकते हैं आप कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जमकर तैयार है। इसे हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से चॉकलेट बनाकर अपने फैमिली वालों को खिला सके। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। मेरी रेसिपीज को ट्राई करें, एंजॉय करें। जो भी वीडियो फुल वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको चॉकलेट खाना पसंद है या नहीं। तो मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।